अक्षरा की जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन अब एल्बमों में वॉर शुरू हो गई है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पवन सिंह के एल्बम बदनाम कर देगी और अक्षरा सिंह के एल्बम वो पी पी के मर रहा है। अब ये जानना चाहते होंगे कि दोनों के एल्बमों में किसको ज्यादा पसंद किया गया। दोनों ऑडियो रिलीज हैं, दोनों का वीडियो नहीं है, दोनों लगभग एक ही दिन के अंतराल में रिलीज हुए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद, इतने विवादों के बावजूद, यहाँ पवन सिंह की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं है। पवन सिंह के इस गाने को अच्छा रिस्पांस मिला है। एक दिन की बात करें तो यह 1 मिलियन व्यूज तो क्रॉस कर ही चुका था, लेकिन 6 दिन हो गए हैं रिलीज हुए तो 2.7 मिलियन, और ठीक उसी तरह अक्षरा सिंह के एल्बम वो पी पी कर मर रहा है, जो कि सॉन्ग कम शायरी ज्यादा लगती है, उसे एक दिन में तो उतने बेहतर रिस्पांस नहीं मिले थे, लेकिन 6 दिन उस गाने के भी बीच जाने पर उसे 2 मिलियन व्यूज मिले हैं, जो कि काफी हद तक पवन सिंह के आसपास ही है। यानी कि यहाँ पर पवन सिंह का जो गाना है अक्षरा सिंह के गाने से 7 लाख व्यूज आगे है। आपको ये बता दें कि इन दोनों का गाना जब आप सुनेंगे तो आपको सीधे यही लगेगा कि पवन सिंह अक्षरा सिंह के बारे में कह रहे हैं और अक्षरा सिंह पवन सिंह के बारे में कह रही हैं। वैसे भोजपुरी में ये कुछ नया नहीं है, जब भी किसी की लड़ाई किसी से होती है तो दुश्मनी निकालने के लिए गानों का सहारा ही लिया जाता है। हाँ, यहाँ पर ये अच्छा है कि इन दोनों ने एक दूसरे का नाम नहीं लिया, हिंट दिया है। लेकिन अगर इसे कोई लोकल सिंगर गाता या नॉन फेमस सिंगर गाता तो बकायदा नाम लेकर गाता इन दोनों का, भाई ऐसे मौके पर लोग अपना नाम चाहते ही हैं कि आ जाए, और इस तरह का पब्लिसिटी स्टंट कौन नहीं चाहता कि जल्द से जल्द वो फेमस हो जाए। तो यहाँ अब आपको ये बता दे कि इन दोनों का गाना भले रिलीज हुआ है, फैंस इन दोनों के हैं, पवन के फैन अपने स्टार के गानों का मजा ले रहे हैं और अक्षरा सिंह के गाने को घटिया बता रहे हैं। ठीक उसी तरह से अक्षरा सिंह के फैंस अक्षरा सिंह के गाने का मजा ले रहे हैं और पवन सिंह के गाने को डब्बा या फिर फ्लॉप बता रहे हैं। लेकिन ये YouTube का आंकड़ा है, बढ़ता और घटता रहता है। अभी आगे देखना बाकी होगा कि किसका एल्बम कितना शानदार चलता है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल।